आई यूज टू राइट विद पेंसिल, जो हिंदी में भी टीचर्स ने बोला है उसमें पेंसिल से लिखा हुआ है कि अगर सर ने कोई लाइन हिंदी में भी बोली है तो दैट इज ऑल्सो इन माई नोट्स. ऐसा नहीं था कि मैं 5 hours पढ़ रही हूँ, 6 hours पढ़ रही हूँ, ऐसा नहीं. बट मैं जब भी पढ़ती थी आई गिव माई 101% कि नहीं भाई अब करना है तो करना है. तो नोट्स आपको सीनियर्स के या किसी और के रेफर नहीं करने चाहिए, अपने नोट्स मस्ट. व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर पेरेंट्स जब तुमने 97% स्कोर किया? हे गाइस, स्तुति शर्मा, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिएटिव लर्निंग. तो आज यार हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, एक ऐसी स्टूडेंट है जिसने क्लास 10th में टॉप किया था और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग परसेंटेज के साथ टॉप किया. आज हम कंप्लीट गाइडेंस लेने वाले हैं कि कैसे पढ़ाई करनी है, क्या रोड मैप होना चाहिए, कौन से नोट्स रेफर करने हैं, नोट्स कैसे बनाने हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे. एक स्टूडेंट जो खुद उस सारे के सारे रूट से गुजरा है वो आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें बता पाएगा. तो वेलकम टू आवर चैनल आयुषी. सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ तुम अपने बारे में कुछ चीज़ें बताओ, कितना परसेंटेज तुम्हें मिला, कौन से स्कूल से तुम हो और तुम्हारा कैसा 10th का कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा नाम आयुषी कपूर है, मैं क्लास 12th में हूँ और मैंने नॉन मेडिकल ऑप्ट किया है. अच्छा. और मैंने अपना क्लास 10th OPS विद्या मंदिर स्कूल करनाल हरियाणा से करा है और मैंने 97% स्कोर करे थे. ग्रेट. सो माय पेरेंट्स, मेरी मम्मा वर्किंग वुमन है एंड माय डैड इज अ सर्विसमैन. कैसा था यार तुम्हारा क्लास 10th का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला. मतलब ऐसा नहीं है कि हर क्लास में सीखने को मिलता है, बट क्लास 10th जैसे एक फर्स्ट टाइम बोर्ड देते हैं तो वो जो एक्सपीरियंस होता है वो थोड़ा बहुत मतलब डिफरेंट होता है, उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा. या एग्जैक्टली. मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, आई रियली एंजॉयड. एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर पेरेंट्स जब तुमने 97% स्कोर किया? मैं अगर फ्रैंकली बताऊँ, मैं अपनी 11th क्लास में स्टार्ट हो गया था बिकॉज रिजल्ट लेट आता है. तो मैं अपनी ट्यूशन में ही थी, मतलब कोचिंग में मैं अपना पढ़ रही हूँ 11th का. एंड सडनली माय फादर कॉल्ड मी कि आयुषी रिजल्ट आ गया. मैंने कहा कब आया? कहते हमने निकाल लिया है. मैंने कहा व्हाट्स दैट? तो उन्होंने बताया कि यू स्कोर 97%. तो मैं उनका रिएक्शन नहीं कर पाई, बट उन्होंने मेरा रिएक्शन देखा, मतलब उनको पहले ही पता लग चुका था कि मेरे कितने मार्क्स. तो जैसे ना कोई भी स्टूडेंट जो 95+ मार्क्स लेके आना चाहता है वो स्टार्टिंग से, मतलब तुम मुझे एक चीज़ बताओ कि कैसे तुमने अपनी पढ़ाई को अप्रोच किया, मतलब तुमने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन से पढ़ाई करनी शुरू करी, किस चीज़ पर ज़्यादा डिपेंडेंट थे, सेल्फ स्टडी पर, अपने कोचिंग में या स्कूल में, तो मतलब वो कैसा मैनेज कैसे किया अपना सारा? मैं कहूँगी कि 9th क्लास जब हम, मेरा कोविड बैच था 9th में. अच्छा. मैं कोरोना टाइम था तो 9th में इतना कुछ हमारा रहा नहीं क्योंकि ऑब्वियसली हम ऑनलाइन थे, सब कुछ ऐसा था, तो स्कूल से एक कनेक्शन टूट गया था. बट 10th में जब पूरा एकदम से वापस बैक आया कि चलो ऑफलाइन है एंड एवरीथिंग, तो एक वो जील होती है ना कि हाँ भाई बहुत टाइम हो गया स्कूल नहीं गए, जैसे वो भी होता है. बट मैंने स्टार्टिंग से शुरू किया एंड आई वुड सजेस्ट कि स्टार्टिंग से ही शुरू करना चाहिए. You are doing same thing एक महीने में और एक चीज़ को एक साल में करने में बहुत डिफरेंस होता है. आप उसको उतने अच्छे से करोगे एक साल में और एक महीने में आप जस्ट करना है, ख़त्म करना है, वो चीज़ हो जाती है. For the sake of completion. Yes. तो मैंने तो स्टार्टिंग से शुरू किया और डिपेंडेंट मैं ऐसा कहूँगी कि कोचिंग, मैंने कोचिंग ली थी फॉर मैथ्स एंड साइंस अपने लोकल इंस्टीट्यूट करनाल से, योग्यता कोचिंग सेंटर से किया था मैंने. तो मैंने मैथ साइंस के लिए रखी, बट फॉर SS हिंदी वो सब मैं खुद ही किया. हाँ जी, ठीक है. क्योंकि जब तक हमारे ऊपर एक बर्डन नहीं होगा ना, हम छोड़ देंगे चीज़ों को. हम जैसे अगर पूरा डिपेंड रहे कोचिंग पे कि नहीं वही कराएंगे, तो हम अपने ऊपर से कुछ भी पुट ऑन नहीं करेंगे. हम हमेशा उसी पे डिपेंडेंट रहेंगे कि हाँ हमें कोई ना कोई स्पून फीड कराएगा. तो मैं ज़्यादा डिपेंडेंट सेल्फ स्टडी पे रहती थी बिकॉज मेरे को SS इंग्लिश उन पे भी देखना था एंड मैथ साइंस तो चलो आई वॉज डूइंग बिकॉज मैंने आगे साइंस ही लेनी थी. Okay. तो वो आपको एक हेल्प कर देता है कि अगर आप आगे साइंस लेना चाह रहे हो, आप जो भी सब्जेक्ट लेना चाह रहे हो अगर आप उसमें कोचिंग ले लेते हो तो दैट्स बेटर, आपको पहले थोड़ा ओवरव्यू मिल जाता है. तो मैंने मैथ साइंस के लिए लिया और इसके लिए मैं सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा डिपेंडेंट थी आई वुड से, और आपको रहना भी चाहिए जब तक अपने ऊपर एक बर्डन होगा. तो यार दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि सेल्फ स्टडी का, जैसे तुमने बोला कि मैं सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा डिपेंडेंट थी, मेरे टाइम पे क्लास 10 में भी ऐसे ही था. मतलब मेजर मैं कोचिंग में कुछ पढ़ रही हूँ दैट इज़ इनपुट, ऑनलाइन कुछ देख रही हूँ वो इनपुट है. जब तक उसको खुद से नहीं पढ़ेंगे ना, वो नहीं आप 100% इन्फॉर्मेशन ब्रेन में फीड नहीं कर सकते. तो वो सेल्फ स्टडी तुम कितने घंटे पढ़ रहे थे, कितना घंटा यू यूज टू स्टडी एवरी डे, या फिर कैसे पढ़ रहे थे? फॉर एग्जाम्पल कोचिंग में अलग सिलेबस चलता है, ऑनलाइन टीचर कुछ पढ़ा रहा है, आप ऑफलाइन खुद से पढ़ रहे हो, आपने कोई चौथा चैप्टर खोल रखा है, राइट? तो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं. तो ये सब पढ़ाई का सेल्फ स्टडी में तुम कैसे पढ़ रही थी और क्या पढ़ रही थी?
तो सेल्फ स्टडी, मैं फ्रेंकली बताऊं कि मैंने ऐसा नहीं था कि मैं 5 आवर्स पढ़ रही हूँ, 6 आवर्स पढ़ रही हूँ, ऐसा नहीं. बट मैं जब भी पढ़ती थी आई गिव माई 101% कि नहीं भाई अब करना है तो करना है. ऐसा नहीं कि 2 घंटे पढ़ के प्रोडक्टिविटी आधे घंटे की भी नहीं है. तो आई डिपेंड ऑन प्रोडक्टिविटी कि हाँ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए. इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है. तो मैं प्रोडक्टिविटी पे हमेशा रहती थी कि मेरे को इतने आवर्स में इतना कवर करना ही करना है. तो एक आपको टारगेट सेट करना है कि इतने घंटे में दिस इज द टारगेट, आपको ये कंप्लीट करना ही करना है. अगर आप वो अचीव नहीं कर पा रहे हो तो आपको ट्राई ऑन करना है. ये नहीं कि हम डीमोटिवेट बड़ी जल्दी हो जाते हैं. मैंने ये देखा है क्योंकि मेरे साथ यही था. मैं बड़ी जल्दी ऐसा होता था कि नहीं गिव अप. तो ये नहीं करना, टारगेट सेट करना है और ट्राई करना है कि हम उसको फुलफिल कर पाए. जब हम धीरे धीरे इस चीज़ पर चलेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा व्हेन यू आर कंप्लीटिंग ऑल योर टारगेट्स और आप टिक मार्क्स लगा रहे हो कि हाँ ये डन ये डन, तो उससे प्रोडक्टिविटी आती है. तो मेरा सेल्फ स्टडी का ये था कि मैं पहले टू डू लिस्ट या टारगेट ये बनाती थी एंड देन आई स्टार्टेड माय सेल्फ स्टडी. फॉर एग्जांपल इसी पे एक फॉलोअप क्वेश्चन है. जैसे आपकी कोचिंग में चल रहे चैप्टर नंबर 1 फॉर इंस्टेंस केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चल रहा है, अज्यूम कर लो. और अगर तुम्हारे स्कूल में फॉर एग्जाम्पल चल रहा है चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सेल्फ स्टडी तुम कैसे कर रहे थे? मतलब बच्चों का प्रॉब्लम क्या है ना, वो यही कोड क्रैक नहीं कर पाते कि मैं अगर सेल्फ स्टडी में वो रैंडम चैप्टर उठा के बैठ जाते हैं. आप कोचिंग का तो छूट रहा है, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो भी छूट रहा है, तो बैकलॉग्स क्रिएट हो रहे हैं और इसीलिए उनका सिलेबस कवर नहीं होता. तो आइडियली बच्चा एक ही चीज 3-4 जगह पढ़ता है बट फिर भी उसे कुछ पता नहीं होता. तो तुम इस वाले ट्रायंगल को थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करो कैसे तुम पढ़ रहे थे. जैसे बैकलॉग्स का था तो मेरे साथ भी बहुत बार हुआ कि बैकलॉग्स रह गए, मतलब इतने चैप्टर्स पढ़े हैं, इतना कम टाइम है, कैसे करें क्या करें. तो आई जस्ट थॉट कि आप पीछे वाले को पकड़ रहे हो और जो आगे चल रहा है वो तो खत्म हो ही रहा है, पीछे वाला पहले ही हो चुका है. तो आई वुड सजेस्ट फोकस जो अभी चल रहा है. अगर जब आपकी ट्यूशन में केमिकल रिएक्शंस चल रहा है जैसे आपने कहा, तो उस पर 101% दो. और हम कोचिंग में 101% दें कि हाँ जो टीचर बोल रहा है उस, आई यूज टू राइट विद पेंसिल जो हिंदी में भी टीचर्स ने बोला है. मैं वो चीज़ भी अपनी नोटबुक में, अगर मेरे अभी नोट्स आप देखते हो तो उसमें पेंसिल से लिखा हुआ है कि अगर सर ने कोई लाइन हिंदी में भी बोली है तो दैट इज़ ऑल्सो इन माई नोट्स. क्योंकि कुछ भी नहीं पता कि आपको कहाँ से क्या क्वेश्चन मिल जाए. एंड अगर हम ये चीज़ बैकलॉग्स का है तो आई वुड सजेस्ट कि आप पीछे वाले अगर रह रहा है दैट्स ओके, आपको उसको कंप्लीट करना है. बट फर्स्टली फोकस जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है. क्योंकि हम वो भी छोड़ देते हैं, पीछे वाला तो छूटा ही पड़ा है एंड एट द एंड वी आर अलोन कि भाई करे तो करे क्या. तो उस प्रेशर को कम करने के लिए दैट्स व्हाई आई सेड कि स्टार्टिंग से ही पहले तो शुरू करो. 1% यू हैव योर बैकलॉग्स तो आप प्रेजेंट पे फोकस करो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन पास्ट. अच्छा, दिस इज व्हाट यू यूज्ड टू डू. जो कोचिंग में चल रहा है वो साथ साथ में पढ़ते हैं. यस. और स्कूल में जो चल रहा है वो साथ साथ, हाँ जी, रिविजन कर लिया. यस. ठीक है, सो दिस इज वन थिंग. मुझे एक चीज बताओ, जैसे अगर कोई स्टूडेंट है, ये टाइम तुम कैसे निकाल रही थी? जैसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि आधा टाइम कोचिंग में ही जा रहा है, आधा टाइम स्कूल में जा रहा है. वो टाइम सेल्फ स्टडी के लिए उतना टाइम निकालना, ये कैसे डील करी थी तुम टाइम मैनेजमेंट? जैसे मैंने बहुत बच्चों से, मतलब मैं मिली, जैसे आफ्टर 10th आप 11th में जैसे मैं आई तो कई गाइडेंस लेते हैं कि दीदी कैसे करें क्या करें. तो मैंने उनसे, मतलब व्हेन आई टॉक टू देम, मैंने ये देखा कि उन्होंने कहा कि मुझे एसएस नहीं करनी, खुद नहीं कर सकती, मेरे को कोचिंग चाहिए. मैं इंग्लिश खुद नहीं कर सकती, मेरे को कोचिंग चाहिए. बट आप कब तक कोचिंग पे डिपेंडेंट रहोगे? आपका आधा टाइम तो इसी घूमने फिरने में ही निकल जाता है. आप इंग्लिश से एसएस पे जा रहे हो, एसएस से फिर मैथ साइंस पे आ रहे हो. तो आई वुड सजेस्ट कि जैसे इन चीज़ों में मैंने सिर्फ मैथ साइंस की ट्यूशन रखी जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू परस्यू नॉन मेडिकल इन क्लास 11, ताकि थोड़ा डीपली बना सकूं ट्राई कॉन्सेप्ट्स वगैरह. तो इस चीज़ को डील करने के लिए मैंने क्या किया था कि आपके पास एक टाइम होना चाहिए आपकी कब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आती है. आई वुड नॉट से आप सुबह जल्दी उठो, मैं बिल्कुल नहीं कहती. आपको अगर रात को अच्छे कंसेंट्रेशन आती है तो आप रात को करें. बट मेरे साथ था कि मैं सुबह जल्दी उठती थी 5:45, जब बोर्ड्स के टाइम तो 4:00 भी उठना था. बट वैसे नॉर्मली जब नॉर्मल डेज पे 5:30 ऐसे उठ के आई यूज टू स्टडी और सब कुछ. कोचिंग से आने के बाद भी पढ़ा, उसके बाद आई यूज टू रिलैक्स, थोड़ा सो गए, मतलब सो के उसके बाद जब 5 AM आई गेट अप तो मैं सुबह सारा रिवाइज करना कि पिछले दिन मैंने क्या पढ़ा है. और उसके बाद अगर मेरा कोई बैकलॉग है तो उसको कवर करना. मतलब मॉर्निंग में ही मेजर स्केड्यूल बनाया था कि मैं मॉर्निंग में 5 से लेकर जब तक मेरा स्कूल में, हां जी, आई ट्राई टू स्टडी. यस. और रात में टाइम पे, बिकॉज मेरे लिए प्रोडक्टिविटी मॉर्निंग में ज्यादा आती थी. तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी उस पर डिपेंड करता है कि आपको किस में कंफर्टेबल लगता है.
सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अपनी नींद को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. ठीक है आयुष, मुझे ये बताओ तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या था क्लास 10th में, और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था? क्लास 10th में मेरा जो सोशल साइंस था वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था, उसमें मेनली हिस्ट्री मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थी. अच्छा. और मैथ्स मेरे को बहुत अच्छा लगता था, तब मैथ्स बहुत पसंद है. अभी 11th में नॉन मेडिकल लेने का यही रीजन, यही रीजन. कैसा लग रहा है 11th में मैथ्स? मैथ्स बहुत वास्ट हो चुका है, जो हम 10th तक था इससे कुछ भी नहीं था, बिल्कुल जाकर के कुछ पता लगा जो हमने कभी पढ़े भी नहीं. हाँ, न्यू टॉपिक्स आ रहे हैं. ठीक है, इसी से फॉलो अप क्वेश्चन है कि क्या सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या होती है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट पे आप सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं कर सकते. किसी सब्जेक्ट पे रिविजन ज़्यादा चाहिए, किसी सब्जेक्ट में प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, किसी सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट ज़्यादा चाहिए. तो हर एक सब्जेक्ट लिए स्पेसिफिकली हम तीन सब्जेक्ट्स पे बात करेंगे, लाइक साइंस, मैथ्स एंड सोशल. इन तीन सब्जेक्ट्स पे क्या स्ट्रैटेजीज के साथ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या होता था? हर दिन तुम तीनों सब्जेक्ट पढ़ते थे या किसी दिन एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, अगले दिन कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिया, और क्या स्ट्रैटेजी होती थी कि इसमें मैं रिवाइज ज़्यादा करूँगी, इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा करूँगी? लाइक तो मतलब हर दिन पढ़ना तो मैंडेटरी है, ऐसा नहीं कहूँगी कि ऑल द फाइव सब्जेक्ट्स आपको रोज़ पढ़ने हैं, बट आपको डिवाइड ऐसे करना है कि एक दिन आपने थोड़ा मतलब जैसे साइंस विद इंग्लिश और हिंदी ऐसा पकड़ लिया, एंड मेरी IT भी थी, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, सो मेरे को वो भी करना था. तो मैं अगर साइंस की बात करूँ, बिफोर दैट मैं ये कहूँगी कि आपको अपने टीचर्स को फॉलो करना चाहिए, दे नो बेटर. उनको बिल्कुल पता होता है कि जैसे इंग्लिश के लिए आई वॉच्ड योर वीडियोज, तो मेरे को पता था कि आपको एक्सपीरियंस है, देन दैट्स व्हाई यू आर हियर. तो आपको टीचर्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. हम टीचर्स को फॉलो नहीं करते और हमें लगता है दैट हमें बहुत आता है, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. टीचर्स को एक्सपीरियंस है तभी दे आर टीचिंग. तो SS अगर सोशल साइंस की बात करूँ मैं, तो सोशल साइंस के लिए आई वुड सजेस्ट, एक तो NCERT इज़ योर लाइक गॉड फॉर सोशल साइंस, उसी पे NCERT तो करनी ही करनी है. बट फॉर योर हेल्प कि आप बोर्ड्स में और अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं सोशल साइंस में, यू शुड रेफर टू एवरग्रीन बुक. क्योंकि मैंने भी यस, क्योंकि मेरे टाइम पे भी ना एवरग्रीन बुक होती थी, उस टाइम पे ये जो अभी न्यू ब्रांड्स है वो थी नहीं, बट एवरग्रीन एक एवरग्रीन होती थी, एक एग्जाम आईडी. यस, ये दोनों बुक्स बहुत अच्छी होती थी. तो मैंने एवरग्रीन को रेफर किया था फॉर सोशल साइंस. मैथ्स की अगर मैं बात करूँ, तो मैथ्स में आप अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स लेते हैं, तो क्योंकि ये बेसिक और स्टैंडर्ड है जैसे, तो मैंने स्टैंडर्ड लिया था. अच्छा. क्योंकि नॉन मेडिकल तो स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड अगर आप लेते हैं तो RD शर्मा इज मैंडेटरी. क्योंकि मैंने जब बोर्ड दिया तो RD शर्मा वॉज फुल, लाइक बोर्ड के एग्जाम में RD शर्मा से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे. तो RD शर्मा इज रियली मैंडेटरी. NCERT तो है ही है, मतलब मैं उसके साथ बता रही हूँ, NCERT को छोड़ नहीं सकते हम, वो तो करना ही करना है. उसके साथ आप एक बुक रेफर कर सकते हो, जैसे RD शर्मा, दैट इज नीडेड. और अगर हम साइंस की बात करते हैं, तो साइंस में सिर्फ NCERT करो, क्योंकि साइंस में एक तो रिएक्शंस, केमिस्ट्री के लिए रिएक्शंस रोज प्रैक्टिस करनी ही करनी है, जैसे जो केमिस्ट्री पोर्शन है तो उस पे डिवोट करना है टाइम, क्योंकि रिएक्शंस में मेनली हम कर जाते हैं गलती. तो रिएक्शंस का मेन है. और बायो के लिए तो NCERT इज मच मच मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि उसमें डायग्राम्स है, उसकी प्रैक्टिस भी तो वो हो जाता है. और अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, उसमें आप जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे यू मेंशनड RD शर्मा, तो पर्सनली मेरा क्या ओपिनियन होता है बच्चों के लिए कि अगर आप बेसिक मैथ्स कर रहे हो या स्टैंडर्ड मैथ्स आपने अप्लाई किया है, तो NCERT फोकस्ड क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, दिस इज़ व्हाट आई फील. तो मैं बच्चों को कहती हूँ कि RD शर्मा तब उठाओ जब एटलीस्ट तुमने 3 बार पहले NCERT पूरी रिवाइज करी है. जब तक वो 3 बार नहीं करी तो RD शर्मा उठाने का कोई लॉजिक नहीं है, वो वेस्ट है. मतलब मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली. तो तुमने जब जैसे तुम कह रहे हो मैंने RD शर्मा सॉल्व करी, RD शर्मा से क्वेश्चंस आए, वो ऑफ कोर्स होते हैं क्योंकि उसमें NCERT क्वेश्चंस भी दिए होते हैं. बट मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये बोलती हूँ कि भाई जब तक NCERT 3 बार फिनिश नहीं करी और RD शर्मा उठा ली, उससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई भी नहीं है. क्योंकि तुम अपने ऊपर बर्डन बढ़ा रहे हो, तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं, तुम RD शर्मा सॉल्व कर रहे हो उस लेवल की बुक जिसमें तो मतलब जो टीचर्स लोग सॉल्व करते हैं जस्ट केस की उन्हें अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं. तो ये RD शर्मा की तुम थोड़ी मेरे को अप्रोच एक्सप्लेन करो, क्योंकि मैंने बहुत कम बच्चों से सुना है कि दे आर सॉल्विंग RD शर्मा. मे बी इट कुड हैव बीन योर पैशन बिकॉज यू वॉन्टेड टू परस्यू नॉन मेडिकल, इसलिए तुमने RD शर्मा किया. बट बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्या वो इतनी जेन्युइनली तुम्हें हेल्पफुल रही RD शर्मा? मैंने वही मेंशन किया कि NCERT के साथ मैंने बताया. हाँ. NCERT तो करनी करनी है फॉर बेसिक. अगर आप बेसिक मैथ्स लिए आपने तो ओनली NCERT, क्योंकि मैंने बेसिक का भी पेपर देखा पेपर था तो बहुत और था. ओनली NCERT इज मोर देन सफिशिएंट. अगर आप NCERT को लाइक घोल के पी जाओ जिसे कहते हैं ना, वो कर लो,
सो आपको 100 मार्क्स लाने में कोई नहीं रोक सकता इन बेसिक, बट स्टैंडर्ड के लिए आई वुड सजेस्ट, क्योंकि मैंने जब पेपर दिया तो आई फेल्ट दिस थिंग, तो मैंने दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग कि अगर आप एडिशन में सॉल्व करते हैं विद एनसीईआरटी, तभी मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया कि एनसीईआरटी के साथ. एंड मेरा अप्रोच ये रहता था कि एनसीईआरटी पहले करी है कंप्लीट, उसके बाद आई गो टू एडिशन जस्ट फॉर प्रैक्टिस. प्रैक्टिस के लिए आप आर डी शर्मा को जरूर रेफर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी. ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे ये बताओ कि तुम्हारा सिलेबस कब तक खत्म हो गया था और फिर तुमने कितने अप्रॉक्स सैम्पल पेपर सॉल्व किए थे? ये भी एक बच्चे का कंसेप्शन होता है. और रिविजन स्ट्रैटेजी तुम्हारी क्या होती थी कि मतलब फॉर एग्जाम्पल कई लोग क्या होते हैं कि एक चैप्टर फर्स्ट से अगर मैं एक चैप्टर पढ़ती हूँ तो मैं उसी चैप्टर को हफ्ते में 3 बार रिवाइज करती हूँ ताकि मेरे ब्रेन में वो चीज़ फिक्स हो जाए और मैं भूलूँ नहीं उस चीज़ को. और जब मेरे को 4 टाइम रिवाइज करना होता था तो मैं अपने क्लास के बैक बेंचर बॉयज पकड़ लेती थी, मतलब थोड़ा पीट के ले रहा है कि भाई आजा बैठ जा थोड़ा मैं पढ़ाती हूँ, एंड देन उनको पढ़ा दिया. yes. तो फिर वो फिक्स हो गया, अब वो चीज़ नहीं हटेगी दिमाग से. तो तुम्हारा पहली चीज़ तो क्या रिविजन स्ट्रैटेजी होती थी, तुम कैसे चीज़ों को रिवाइज करती थी कि मैंने अगर टारगेट कैसे बना रखे हैं 1 महीने में 2 चैप्टर करूँगी, आई फिनिश 2 चैप्टर्स 3 चैप्टर्स, एंड कब तक तुम्हारा पूरा बोर्ड्स का सिलेबस खत्म हो गया था और तुमने रिविजन स्टार्ट करती थी? तो अगर मैं मैथ साइंस की बात करूँ बिकॉज आई वॉज ऑप्टिंग कोचिंग, तो मैथ साइंस का मेरा अक्टूबर एंड नवंबर तक कंप्लीट हो गया था. एंड उसके बाद सिर्फ रिवीजन चलती थी, एंड लाइक सैम्पल पेपर वी स्टार्टेड इन दिसंबर और नवंबर का पूरा मंथ हमने रिवाइज ही किया था सारे चैप्टर्स. हाँ बिल्कुल, सारे चैप्टर्स को हमें रोज टारगेट्स मिलते थे, लाइक दिस चैप्टर दिस डे, हमें पूरा प्लानर दिया गया कि आपको ये करना है. अगर आप कोचिंग नहीं ऑप्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर नहीं जाना चाहते नॉन मेड या मेड में, तो आप खुद भी अपने आप को एक टारगेट प्लान बना सकते हैं कि ये चैप्टर्स मुझे इतने टाइम में कंप्लीट करना है. और हमें जैसे दिया जाता था तो मैं वही मतलब टारगेट को फॉलो करना, लाइक वही है मेरा प्लान जो उन्होंने दिया, दैट्स माई प्लान, तो उस टारगेट को फॉलो करना. और अगर मैं अपने जो सब्जेक्ट्स की कोचिंग मैंने नहीं रखी अगर उनकी बात करूँ, तो मैं एवरी डे कुछ ना कुछ थोड़ा पोर्शन, आपको जैसे आपने कुछ एसएस का पकड़ लिया, देन टू रिफ्रेश आपने आधा घंटा ब्रेक लिया, कोई और सब्जेक्ट पकड़ लिया, ऐसा मतलब मैंने देखा है, मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, एक ही सब्जेक्ट को मैंने अगर सोशल साइंस को हम पढ़े हैं 3-4 घंटे, वी गेट बोर्ड. अगर हम ब्रेक करके डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेके करेंगे तो हम इजीली उसको थोड़ा मतलब ज़्यादा प्रोडक्टिव रह पाएंगे, थोड़ा पोर्शन बट ऑफ एवरी सब्जेक्ट. तो जैसे नवंबर में मेरा सिलेबस ख़त्म हुआ तो एक रिवीजन तो उस टाइम हुई जो उन्होंने भी करवाई और अपनी तरफ से भी आई पुट ऑन. और उसके बाद फिर जब जैसे प्री बोर्ड्स आते हैं, हमारे तो 2 बार प्री बोर्ड्स होते हैं, लाइक पहले प्री देन प्री, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है. हम सोचते हैं कि हम वो मिस कर देते हैं, कई बच्चे आई हैव सीन कि हम प्री बोर्ड्स नहीं दे रहे सीधा बोर्ड्स. भाई आपको नहीं समझ में आएगा कि आप सीधा बोर्ड्स जब दोगे सो यू आर गोइंग टू लाइक बहुत बिल्कुल ब्लैंक हो जाते कि कहाँ से स्टार्ट कहाँ से करें. तो प्री बोर्ड जितने भी आपके एग्जाम्स हो रहे हैं पूरी 10th में, वो आपको देने बिल्कुल मैंडेटरी हैं. तो क्योंकि उनसे आपकी एक तो रिवीजन भी होती है, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि मैंने रिवीजन मोस्टली मेरी इन्हीं एग्जाम्स की वजह से हुई, लाइक प्री बोर्ड्स हुए तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना ही पड़ेगा, प्री बोर्ड्स हुए तब भी आपको करना ही है. तो जैसे जनवरी में प्री बोर्ड्स हुए मेरे, तो उसमें भी एक रिवीजन उसमें भी चलती गई, मतलब आपको पूरे नवंबर से जनवरी का टाइम मेरा रिवीजन टाइम रहा था, उसमें रिवीजन ही चल रही थी. और फेब में तो देन 15 से आपका स्टार्ट हो ही जाता है. नोट्स के बारे में मुझे थोड़ा डिटेल करो. बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि दी नोट्स खुद से बना लें, या कोई अगर बच्चा स्टूडेंट है जिसके पास नोट्स हैं या उनके सीनियर्स के नोट्स होते हैं, जैसे कई बच्चे क्या करते हैं अपने बड़े भाई बहन के नोट्स यूज़ कर लेते हैं या कोचिंग से मिलते हैं, तो तुमने अपने नोट्स का सिस्टम क्या किया हुआ था? तुम कोचिंग के नोट्स थे उसी से पढ़ते थे, या हाउ यू यूज्ड टू प्रिपेयर योर नोट्स इन क्लास 10th? तो नोट्स की अगर मैं बात करूँ, स्कूल अपना जो नोटबुक एंड एवरीथिंग वो मेंटेन होता है, बट आपको एट द एंड अपने नोट्स बनाने ही बनाने हैं. ओके. ना आप सीनियर से लो, ना आप अपने ब्रदर सिस्टर से लो. आप खुद मेहनत जब तक नहीं करोगे आपको रिजल्ट उसका नहीं मिलेगा. हम मतलब मेरी भी सिस्टर शी इज एल्डर वन, तो उनके नोट्स में ले लेती, बट जब तक मैं खुद राइट डाउन नहीं करूँगी उस चीज़ को तो मेरे को समझ नहीं आए. तो नोट्स आपको सीनियर्स के या किसी और के रेफर नहीं करने चाहिए, अपने नोट्स मस्ट.
जब तक हम पेन डाउन नहीं करेंगे चीज़ों को, आपके माइंड में वो नहीं बैठेगा. लाइक जैसे अगर आप कोई सॉन्ग सुनते हैं, हम कोई चीज़ को रिपीट में सुन लेते हैं ना, तो हमको लिरिक्स ऐसे रटे होते हैं, और उसी जगह हम अगर कोई स्टडी रिलेटेड करते हैं वो इतना अच्छे से नहीं रटा होता, जस्ट बिकॉज हमने खुद पेन डाउन नहीं किया या उसको खुद टाइम नहीं दिया उसमें. तो आपको नोट्स बनाना ज़रूरी है, क्योंकि जब मैंने नोट्स कैसे बनाए थे, लाइक आप डिफरेंट पेन्स यूज़ कर सकते हो. लाइक ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि बिल्कुल ही रंगीन कर देना नोटबुक, ऐसा नहीं है, बट जस्ट बिकॉज आप हाईलाइट कर सको, डिफ्रेंशिएट कर सको कि ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये ठीक है पढ़ लेना है, बट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. और जो आपके अगर टीचर्स कुछ हिंदी में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, हिंदी में भी बता रहे हैं, तो वो भी आपकी नोटबुक में होना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि आपको किस चीज़ से क्या क्वेश्चन आ सकता है. तो हर चीज़ आपकी नोटबुक इज़ लाइक अ एनसीईआरटी बुक जैसे होती है, उसमें हर चीज़ मेंशन है और हर चीज़ उसी से रिलेटेड आती है. नोट्स भी आपको वैसे ही बनाने चाहिए, और किसी के रेफर नहीं, अपने खुद के नोट्स मैंडेटरी. एक इसी में मेरा फॉलो अप क्वेश्चन है, स्कूल में ना टीचर्स अलग नोट्स बनाते हैं, ट्यूशन में अलग नोट्स चलते हैं, जब तुम सेल्फ स्टडी करते हुए नोट्स बनाती थी, तुम दोबारा से वो सारी चीज़ें लिखती थी, या हाउ यू यूज टू डू दैट? तो जैसे स्कूल टीचर्स ने आपको कुछ बताया और ट्यूशन वालों ने बताया, तो आपको पहले सब कुछ रिवाइज करना है, ठीक है, उसके बाद टेक अ नोटबुक और उस पर आप जस्ट क्लोज ऑल द ट्यूशन नोट्स एंड स्कूल नोट्स, सब बंद करके जस्ट रिमेम्बर आपको कितना याद है, आपने वो सब लिख लिया, एंड देन देखो कि क्या क्या चीज़ हमारे टॉपिक्स रह गए हैं, देन अगेन उनको अपनी नोटबुक में लिखो, बिकॉज आप ट्यूशन से कुछ और मिल रहा है, लाइक कंसेप्ट्स आर सिमिलर बट इंफॉर्मेशन इज डिफरेंट, आपको स्कूल से कुछ मिल रहा है, ट्यूशन से कुछ मिल रहा है, सो ट्राई टू लाइक पेन डाउन ईच एंड एवरी थिंग जो भी आपको प्रोवाइड की जा रही है. तो मतलब मैं वही चीज़ करती थी कि स्कूल वाला पढ़ा, पहले रिवाइज किया, फिर ट्यूशन वाला रिवाइज किया, एंड देन मिक्सिंग दैम अप और नोट्स बनाए, ताकि आपको दोनों चीज़ें साथ में चलना चाहिए आपका. जैसा कोई भी स्टूडेंट है ना, वो स्कूल में जाके अपने 7 to 8 hours स्पेंड करता है एवरी डे, और मेजर बच्चे उसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, दे गोइंग टू स्कूल, दे नॉट टेक केयर वट एवर टीचर इज सेइंग इन क्लास, जिस वजह से उनका मेजॉरिटी ऑफ द चंक वेस्ट हो जाता है. तो तुम जब स्कूल में जा रहे थे, वट वॉज योर स्ट्रैटेजी, कोई टीचर पढ़ा रहा है, हाउ यू यूज टू डील विद दैट? ध्यान से सुनना है, नोट्स बनाने, क्या करना है, वो स्ट्रैटेजी मुझे थोड़ी बताओ. आई वुड से जैसे स्कूल लाइफ, आप अगर नॉन मेड या मेड में जाओगे ना, तो 11th 12th में इट गेट्स मिनिमाइज, आप 10th तक ही जाते हो मोस्टली, फिर आप बहुत ही रेयर या फिर एक दो दिन इन अ वीक ऐसे जाते हो. तो 10th तक स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन स्कूल, क्योंकि मैंने क्या किया था, मैं जब भी स्कूल लाइक मैं रोज़ ही जाती थी, तो 6 hours अगर आप डिवोट कर रहे हो, तो 6 hours वाली ही प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए. लाइक आई यूज टू, अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो किसी से बात नहीं करनी कि हाँ वो साइड वाला क्या बोल रहा है, अच्छा पहले वो सुन लेते हैं, नहीं, जस्ट फोकस कि आगे क्या चल रहा है, सामने टीचर क्या पढ़ा रहा है, और उसको पेन डाउन, मतलब हर चीज़ जो जो पढ़ाई है ना, उस वो चीज़ आपकी नोटबुक में होनी ही होनी चाहिए. एंड दैट वाज वन ऑफ द रीज़न कि मैंने फ्रेंडशिप लाइक आई कट ऑफ फ्रॉम एवरीवन, क्योंकि मेरे को चाहिए था कि अपना एक स्पेस होना चाहिए, आप अपने साथ ही खुश रहो, कि टीचर जो पढ़ा रहा है बस उतने में एक सेंटर होना चाहिए, एक लिमिटेशन होनी चाहिए, कि हमेशा फ्रेंड्स के साथ वो चीज़ें करना, और फिर एट द एंड आप वही उसी गड्ढे में होते हो जिसमें आपके फ्रेंड है, लाइक नो वन इज़ एबल टू क्रैक या फिर अच्छे मार्क्स लाना, दोनों साथ में नैया जैसे डूबती है. तो इससे अच्छा कट ऑफ फ्रॉम एवरीवन 1 साल लाइक बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, तो मेनली आई वुड सजेस्ट, क्योंकि फ्रेंडशिप अगर आपकी मोटिवेटिंग फ्रेंड है कि हाँ चलो आपको मोटिवेट कर रहा है, तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर इट. बट अगर ऐसा नहीं है और बातों में ज़्यादा, बट अगर आप स्कूल जा रहे हो, तो नोट्स और जो टीचर बता रहे हैं वो हर एक चीज़ आपके नोटबुक में होनी ही होनी चाहिए. जैसे मेरे स्कूल फ्रेंड था ना, टॉपर्स का सर्कल होता, हाँ एकदम ऐसा सर्कल की ज़्यादा बात भी बता, हाँ तो पूरा वो सर्कल उसमें आपस में ही टशन चल, हाँ उसमें हमारे क्लास में क्या सीखते ना, बेंट लगते थे, सट्टे लगते थे लड़के, कि कृति के फिजिक्स में 100 आएंगे तो मैं इतने पैसे दूंगा, या इसके आएंगे तो मेरे बैच में देवर सो मैनी टॉपर्स एक्चुअली. तो मेरे बैच में हम 18-20 बच्चे टॉपर निकले थे, अब सबको चीफ मिनिस्टर ने बुलाया था उत्तराखंड के. सो मतलब मेरा बहुत मोटिवेटिंग और एनकरेजिंग सा था. तो कहते हैं ना, इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, देन यू आर इन द रॉन्ग, यू आर इन रॉन्ग रूम. अगर सब लोग तुमसे ज्यादा समझदार है, तो तुम अच्छे कमरे में बैठे हो, बट अगर सब लोग
तुम सबसे ज्यादा समझदार हो एक कमरे में, तो तुम इस कमरे से बाहर चले जाना चाहिए, तुम्हारे लिए वो कमरा नहीं बना है। यस बिल्कुल, क्योंकि अब आपने जैसे कहा तो आपका सबको पता है कि हाँ हमने इतना जब पढ़ने का टाइम है तो पढ़ना है, बट देर आर सम फ्रेंड जो पढ़ने के टाइम पढ़ना नहीं है बातें ही करनी, तो उस ग्रुप से दूर रहकर टॉपर वाले जैसे आपने बताया उस ग्रुप में रहना इज लाइक गुड थिंग, आपको हेल्प बहुत करेगा वो चीज़, आपका एक कॉम्पिटिशन बना रहेगा, यू विल ट्राई कि मैं उससे अच्छा स्कोर करूँ, तो एक हेल्दी चीज़ आप हेल्दी मतलब बहुत स्मूथली यू कैन गेट गुड मार्क। मुझे ना एक ये चीज़ बताओ, कोई भी स्टूडेंट जो तुम्हारी तरह 97-98% लेके आना चाहता है, उसके लिए क्या तीन एडवाइजेज हैं जो तुम दोगे बिल्कुल शॉर्ट में, वॉट आर थ्री एडवाइसेज या थ्री चीज़ें शायद जो तुम्हें थोड़ा और पहले पता होती तो तुम मे बी और अच्छा अचीव कर पाती। यू हैव डन अमेजिंग, बट होता है ना कुछ चीज़ें हो जाती है, एवरीवन इज नॉट परफेक्ट, तो वो चीज़ें हमें तब रियलाइज होती जब हम स्कूल लाइफ से बाहर आ जाते हैं, तो वो क्या चीज़ें हैं जो तुम तीन एडवाइजेस दोगे अगर कोई भी ये बच्चा है 95 या 97% प्लस लेके आना चाहता है तो? फर्स्ट थिंग आई वुड से कि अगर मैं मेनली सोशल साइंस में मेरा स्कोर कम रहा दैट्स वाई 97, अगर आपको और अच्छा स्कोर करना है एंड आई एम श्योर कि आप सब करेंगे, तो आई वुड से कि सोशल साइंस के लिए एनसीईआरटी प्लीज करना, क्योंकि मेरा मेन यही रहा था कि मैंने एनसीईआरटी आई लैंड फॉर दैट। हाँ तो मैंने एनसीईआरटी थोड़ा सा वीक रहा जिसकी वजह से मेरा सोशल साइंस में स्कोर कम रहा। सेकेंड मेन एडवाइस आई वुड से कि गुड मार्क्स आर नॉट टू इम्प्रेस समवन एल्स। हम क्या करते हैं, गुड अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं जस्ट बिकॉज टीचर्स को दिखाएंगे, हाँ मैम हमारे गुड अच्छे मार्क्स आए मैम इतने, नो आपको अपने आप को दिखाना है कि यस हम रोज इम्प्रूव कर रहे हैं। आपको ये नहीं कि अगर आपके एक टेस्ट में 7 out of 10 तो नेक्स्ट टेस्ट यू शुड एक्सपेक्ट कि आपके 8 या 9 आने चाहिए, ये नहीं मैं कहूँगी कि सीधा 10 पे, बट यू शुड लाइक ऑलवेज इम्प्रूव योर सेल्फ। आपको हमेशा अपने आप को इम्प्रूवमेंट पे लाना है, किसी के साथ कंपेयर नहीं करना अपने आप को, क्योंकि मेरा क्या था जब मैं टेस्ट दे के आई रिजल्ट आया मार्क्स कम आए, अच्छा साथ वाले कितने आए ओके बस एक दो दिन उसी में चला, तो इस चीज़ को कम करके अपने आप को अपने पिछले वर्जन से कंपेयर करना। थर्ड मेन थिंग आई वुड से इज़ कि अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो वो चीज़ आपको एक दो घंटे से ज़्यादा अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं अपने ऊपर, जिसकी वजह से हम आगे आने वाली चीज़ों को बहुत ज़्यादा बिल्कुल, तो उस चीज़ को मिनिमाइज करना है। एक दो घंटे चले, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर दोगे तो आप कहोगे अच्छा ठीक है 0 भी आ रहे हैं इट्स ओके निग्लेक्ट करना है, नहीं आपको हमेशा मतलब एक दो घंटे अफेक्ट रहा उसका कि चलो, बट देन ऑल्सो आपको पुश करना है कि नहीं नेक्स्ट टाइम आई हैव टू डू बेटर यार, एक ये बोर्ड में तो फोड़ना है अगली बार अच्छा करना ही करना है, तो ऐसे अपने आप को बूस्ट अप करना है ताकि आप कर सको और अच्छा। तो ये तो मुझे पता है कि यू आर लाइक अकेडमिकली साउंड किड, तुम नॉन मेडिकल अभी कर रहे हो, मुझे एक चीज़ बताओ कि तुम्हारी हॉबीज़ क्या है और तुमने टेंथ में खुद को सारा टाइम मोटिवेटेड रखने के लिए क्या किया। कई बच्चे क्या करते हैं सारा दिन बैठ के बुक खोल के बैठ के पढ़ते रहते हैं, ऐसा नहीं चलता है, आपके पास एक कुछ और होना चाहिए करने के लिए। जैसे आई यूज़ टू सिंग, मेरे को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना पसंद है, तबला गिटार सितार तानपुरा, मेजरली मैं सारे ही क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर सकती हूं, तो मैं वो करती थी अपने फ्री टाइम में, अपने ब्रदर के साथ बैठ के बीट्स बना ली, साउंड कुछ कर लिया ना, मिक्सिंग कर दी। मतलब तुम अपने स्टडीज़ के अलावा कैसे खुद को एंटरटेन करती हो या बच्चा और क्या कर सकता है पढ़ाई के अलावा? तो मेरे को डांसिंग हमेशा से ही पसंद है, और जैसे आपने कहा कि आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए, दैट्स रियली ट्रू। मतलब मैं सजेस्ट करूँगी एक, और ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, हिडन टैलेंट किसी ना किसी में कुछ ना कुछ होता ही होता है। सो आपके पास हमेशा एक वो चीज़ होनी चाहिए कि अपने आप को रिलैक्स करने के लिए क्या करना। और मैं आई वुड से कि मैं डांस क्लास भी जाती थी, एवरी डे 1 आवर आई यूज्ड टू डिवोट टू माय डांस क्लासेस। तो मैं वहाँ जाती थी एंड डांस करना, इट्स जस्ट टू रिलैक्स योर माइंड। कब तक यू आर गिविंग इनपुट और आउटपुट निकाल, जब आप थोड़ा माइंड नीड्स रेस्ट एज वेल, तो उसको भी थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए और थोड़ा रिलैक्स करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ हॉबी होनी चाहिए, और मेरे लिए वो डांसिंग थी, तो मैंने अपने आप को ऐसे रिलैक्स रखा था। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, तो यार थैंक यू सो मच तुम्हारे इनसाइट्स के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, होपफुली बच्चों को भी हेल्प होगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं यार जिनको कोई भी डाउट है या वो कुछ भी पूछना चाहते हैं, प्लीज़ आप कमेंट्स में अपने डाउट्स ड्रॉप कर देना, एंड आयुषी अगर वो तुम्हारा मैसेज देखेंगी शी डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई, या कोई भी सीनियर अगर इस वीडियो को देखेगा तो यू कैन रिप्लाई टू दैट मैसेज। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस चैनल, एंड मे बी जिस दिन अब तुम नेक्स्ट टाइम आई सी यू इन IIT एंड आई विल कम टू IIT
take my camera and we'll take your interview. Sure. Thank you so much.